दोस्तों आदाब, पसमंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। आपको हम खबर दिखा रहे हैं पुंछ से, जहां पे अहले तशी बरादरी की जानिब से आज योम आशूरा का जुलूस आज तकिया पहलवान शाहगाजी पुंछ से बरामद हुआ, जो पुंछ बाजार में पहुंचा और वहां पे उलमाए दीन ने हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उनकी सीरत के हवाले से बयान किया। और इसके बाद ये जुलूस पुंछ बाजार से होता हुआ ये मातमी जुलूस इमाम बारगाह आलिया पुंछ में पहुंचा, जहां पे ये जुलूस इख्तिताम। इस दिन सरजमीन करबला पर फर्जंद रसूल दिलबंद अली मुर्तजा जान फातिमा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 असहाब को नहायत बेदर्दी और कसावत के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। वाकया करबला, जिसकी याद हर साल पूरी दुनिया में मनाई जाती है, तारीख गवाह है कि करबला तारीख इंसानी का वो मुनफरिद और मुमताज वाकया है जिसने सदियों को मुतासिर किया है। आज भी करबला का असर बाकी है, 1400 साल गुजर गए मगर ना जिक्र करबला में कमी आती है, ना अजाए सैयद शहदा में कमी आती है। करबला का असर न जहनों से कम होता है, न दिलों से कम होता है। करबला हर रोज नए जहनों को फतह करती है, करबला हर रोज नए इलाकों को फतह करती है, करबला हर रोज नए जमीनों को फतह करती है। आज रुए जमीन पर कोई खत्ता ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसा नहीं है जहां मजलूम करबला का मातम न किया जाता हो, करबला वालों का जिक्र न किया जाता हो। सवाल ये है कि आखिर इस राज, इस असरियत का, इस तासीर का राज क्या है? आखिर करबला इतनी असरंगेज क्यों है? करबला में इतनी तासीर क्यों है? हर कौम, हर मसलक, हर मजहब का इंसान हुसैन इब्ने अली से इश्क मोहब्बत का इजहार क्यों करता है? करबला से वाबस्तगी का इजहार क्यों करता है? गमे हुसैन में पुरसदारी क्यों की जाती है? आखिर इसका राज क्या है, समझने की जरूरत है। आखिर इसका राज क्या है कि 1400 साल पहले सरजमीन करबला पर जिन 72 शहीदों ने कुर्बानी दी है उनकी याद आज तक मनाई जाती है और कयामत तक मनाई जाती रहेगी, इसका राज, इस असर का राज क्या है? अजीजों, इंसानी तारीख में बड़े बड़े वाकयात होते हैं जिन्हें भुला दिया जाता है, जिनकी याद बाकी नहीं रहती है। करबला इसलिए बाकी नहीं है कि एक दो पहर में गिनती के लिहाज से 72 अफराद को मैदान करबला में प्यासा कत्ल कर दिया गया। 72 की गिनती इतनी ज्यादा तो नहीं है जिनकी याद सदियों तक मनाई जाए, इसलिए कि इंसानी तारीख में ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि जहां 72 नहीं, एक दिन में 72,000 लोग मार दिए गए हैं, मगर ना आज उनका तस्करा बाकी है, ना उनकी याद बाकी है, ना उनके लिए कोई एहतमाम होता है। वहीं योम अशूरा के मौका पे महेंडर में भी एक मातमी जुलूस निकाला गया। आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से महेंडर से पस मंजर नुमाइंदा तारिक खान की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10वीं मुहर्रम का दिन है, महेंडर में अशर मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद हुआ है, जिसमें मकामी अंजुमनों के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मुख्तलिफ अतराफ से लोग आए हुए हैं और जुलूस में शिरकत फरमा रहे हैं। आज का दिन 10 मुहर्रम का दिन मखसूस है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। आपने करीब 1400 साल पहले अपने वक्त के फासिक और फाजिर इंसान यजीद के मुकाबले में खड़े होकर के जुल्म का मुकाबला करने का इरादा किया था, जिसके नतीजे में आपको मैदान करबला में आपके साथियों के साथ बहुत ही बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक शिया हज़रात और बिलखसूस तमाम के तमाम अफराद जिनको पैगंबर अकरम से और इंसानियत से मोहब्बत है, वो इस जुलूस में शिरकत करते आए हैं ताकि दुनिया को बतला सकें कि ये जुलूस
بھائی چارے کا جلوس ہے، امن کا جلوس ہے، محبت کا پیغام دینے والا جلوس ہے۔ ہم اس جلوس سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں بھی کسی بھی منزل کے اوپر کسی کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے تو ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہر مظلوم کی دنیا میں ہر جگہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ظلم سے نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے، ظلم سے نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں حکومت ہند اور حکومت ریاست جموں کشمیر کا شکر ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے بہترین انتظامات کے ساتھ یہ موقع دیا کہ ہم یہ جلوس پر امن طریقے سے۔ وہیں تحصیل منڈی میں بھی آج یوم عاشورا کا جلوس بڑی ہی عقیدت کے ساتھ نکالا گیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے پس منظر نمائندہ ریاض ملک کی منڈی سے یہ رپورٹ۔ اگر کوئی نماز میں، تشہد میں، التحیات میں آپ پر درود و سلام نہ پڑھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ توجہ دیجیے، اب میں وہ چیز جو بیان کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت یہ رہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو ہے بن جائے، محبت ہو جائے، تعلیم القلوب ہو جائے، دل مل جائے، وہ ایسا علم روحانی عطا کر دے کہ سارا آیات پڑھتا جاؤں گا آپ دیکھتے گئی۔ تبھی جو ہے قرآن کریم جو ہے بیان کرتا ہے کس طرح کے دنیا کے تمام دھرم اور مذاہب اور ریلیجن کے ماننے والوں سب، جو بھی ہو، جو بھی دھرم اور ریلیجن ہے، آپ جو ہے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آپ سمجھدار ہو، آپ یہ دیکھ سکتے ہو جب ایک ماں اور باپ کے بچے ہوں تو آپس میں کیا لگیں گے، کیا لگیں گے آپس میں، یعنی بھائی بہن لگیں گے، بھائی بھائی بنیں گے۔